सबको डरा दिए तुम्हें। निकाल लिया। तो भाई कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो सुबह में सभी लोग काम पे लग चुके हैं, ये रहे, और इन दोनों की साइड में मस्ती चल रही है सुबह में। इनको और कोई काम होता नहीं है, जैसे ठंडा मौसम रहता है सुबह का ये मस्ती करते हैं। गोरी को मास्क लगा दिया है और ये भी इनके पास जा रही, लेकिन ये भाग जा रहे बार बार। तो अभी फिर से एक साथ में आए हैं, इनकी मस्ती चालू हो जाती है। और इस साइड में है अपने लखन भाई साहब, तो इनका दूध पीना हो गया है, तबीयत ठीक है, तो खेल कूद करते हैं। थोड़ी देर बाद एक जगह पकड़ लेंगे। ये हर दिन ये जो अपने पेड़ है, इन पेड़ों के बीच वहाँ पे बैठे रहते हैं पूरा दिन, सीधा शाम को ही आते हैं। तो इनकी एक दिक्कत कम है कि इनको ढूंढने को जाना ही नहीं पड़ता, एक ही जगह बैठे रहते हैं। और लक्ष्मी और राम जी को खुराक रखी, जो कि उन्होंने अभी राम जी ने खाना बंद कर दिया, लक्ष्मी अकेले खा रही है, थोड़ी सी बची हुई है। चारा मैं पास में लेके आ चुका हूँ, जितनी खुराक खानी हो जाए फिर चारा रख देंगे। और इनकी मस्ती बंद होने का नाम नहीं ले रही, और ये काफ़ी देर तक चलेगी, 20-25 मिनट तक चलती है, उसके बाद वो शांत होती है। गोरी को मांस इसलिए लगाया, गोरी ने खुराक खा ली और सामने वाले खेत में जा रही थी, तो मांस लगा दिया, और सामने छोटे चारों शैतानों को भी चारा रख दिया है, वो भी खा रहे हैं। और ये भागते हुए आ गए भाई साहब दोनों खुले में, और अभी फार्म के अंदर चारा भी डालने का काम हो गया, और अपनी सभी गाय भी खा रही है चारा सूखा। तो इनका एक काम ख़त्म, बीमार को दवा देनी है कबूतर को, और अपनी गोरी की माँ को दवा दे दी है, तो गोरी की माँ का काम हो गया। बाकी सिर्फ अभी ये बीमार कबूतर का है, उस वाले फार्म की सफाई का है, तो यहाँ के बहुत सारे काम निपटा लिए हैं। तो अभी चलते हैं उस वाले फार्म की सफाई करके आते हैं। तो भाई अभी अपना मिट्टी का बर्तन टूट चुका है और नीचे गिर गया था, यहाँ ऊपर रखा था, और इसको गिराने वाले और कोई नहीं, यहाँ पे दो कौवे आते हैं जिनसे मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। ये देखो अभी पेड़ के ऊपर बैठा, ये देखो अभी उड़ के गया, ये रहा, जो कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। उसी ने ये दोनों ने मिल के इसको नीचे गिरा दिया, मिट्टी का बर्तन जिसके अंदर हम अपने कबूतर को पानी रखते थे। तो अभी नया कुछ देखना पड़ेगा जिसके अंदर हम उनको पानी रख पाए, जो कि था, जो कि उन्होंने अभी गिरा दिया। अभी देखो एक ऊपर बैठा है, ये देखो अभी ऊपर गया थोड़ा, ये भी भागेगा बाहर, ये देखो ये गया, इस साइड में ये रहा, ये देखो यही पे है, ये देखो फिर से आ रहा है। तो इससे तो मैं परेशान हो गया हूँ, 2-3 दिन से ये बहुत परेशान कर रहा है कौवे, इतने परेशान कर रहे कि अपने कबूतरों को जो दाने दे रहे हैं वो भी खा जा रहे हैं। खाने की बात है, खाने देते हैं, लेकिन इनको नहीं खाने देते, वो खुद से खा लेते हैं और इनको चोंच मारते हैं, इनको आने नहीं देते, उनके घर के अंदर जाते हैं, उनको कौवे उनके घर से भगाते हैं। तो परेशान हो गया हूँ, उनको कोई क्या कर ही नहीं सकता मैं कुछ, क्योंकि वो हाथ में भी नहीं आते। तो अभी बर्तन उठा लेते हैं ये पूरे, और देखते हैं कुछ और नया रखेंगे। तो भाई इन सबको पता है हर दिन जाना कहाँ है, लेकिन पागलों की तरह पहले सीधा गए, फिर अभी यहाँ से ये बांध पकड़ेंगे, फिर सामने वाले खेत से होते हुए उस वाले खेत में जाएंगे। और हर दिन ये ऐसे में जिस जगह पे खड़े इससे आते थे, फिर यहाँ से ये देखो ये रास्ता है ट्रैक्टर का, तो इस रास्ते से सीधा उस वाले खेत में जाते थे। लेकिन आज पहले वो पूरे खेत में गए, वहाँ से अभी बांध पकड़ा, अब बांध से फिर इधर आते हैं, या फिर ये बांध पकड़ के सीधा जाते हैं। तो मैं उनको आज खेत में ले जाने वाला नहीं हूँ, वो जाएंगे जहाँ से जाना हो जाओ, बाकी कुछ जो होशियार होंगे वो चले जाएंगे, जो बिना दिमाग के होंगे वो जाएंगे कहीं भी। तो भाई अपने ये दो टप है पुराने, काफ़ी 3-4 साल पुराने टप है, जो कि अभी ये टूट चुके हैं। ये देखो यहाँ पे एक बड़ा वाला चीरा पड़ गया है जो कि टूट चुका है, अभी इसको हम तार से सील के यूज में लेंगे बच्चों के लिए, सेफ्टी में चारा रखने के लिए, और उतना ही काम है इनका। बाकी ये यहाँ से टूटा है तो इसको भी सील देंगे और ये भी काम में आ जाएगा। छोटे सभी शैतान इसमें से चारा खाते, पहले भी एक बार टूट गया था, ये देखो यहाँ से जो कि तारों से सील दिया है, इस जगह पर भी टूटा, यहाँ पर रस्से से सील दिया है, तो ये और एक बार सिल देंगे तो ये भी काम में आ जाएगा। ये भी 2-3 बार टूटा है, ये सामने से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, यहाँ से टूटा है, तो
और सभी जगह सील के इसको भी यूज कर रहे हैं। और अभी फार्म के अंदर अपनी गाय का आराम चल रहा है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। और ये रही सभी अपनी गाय, और हवा भी तेज चल रही है। बाकी बीमार कबूतर ये नीचे बैठा है, इसको अभी तक ना ही तो दवा दी है ना मैंने हाथों से खिलाया, खुद ने उसने सुबह से खाया है। बाकी ये तीन कोई दिक्कत नहीं इनमें, सही है। तो अभी मैं पहले ये वाला काम कर लेता हूँ, फिर बीमार कबूतर को देखते हैं, दवा दे दूंगा, खिलाऊंगा। अगर भूखा रहेगा तो खिला दूंगा, अगर पेट भरा होगा उसका तो सिर्फ दवा दे दूंगा। देखते हैं, पहले ये काम कर लूँ फिर उसको दवा का काम करूँगा। बाकी अपनी गाँव का काम है अभी आराम का वो कर रही है, और सभी छोटे छतरों को मैंने चारा दे दिया है, हरा और सूखा मिक्स करके। हरे चारे की कुट्टी कर ली थोड़ी और उसमें सूखा मिक्स करके अभी दे दिया है। राम जी खा रहे, मेरा चारा पड़ा हुआ, लक्ष्मी ने खा दिया, और लखन भाई सब ये बैठे हैं यहाँ पे। छोटे ये चुटकी और चुटकू को भी मिल चुका है, बाकी वो जो सामने अपने छोटे शैतानी चार उनको भी मिल गया, और गोरी भी उन चारों शैतानों के पास उधर गई है, तो यहाँ पे नहीं है गोरी। तो कर लेते हैं अपना जो काम है, अभी दोपहर का टाइम है तो सभी लोग आराम कर रहे हैं, तो 1-1.5 घंटे के लिए तो कोई किधर जाएगा नहीं बाहर काम के लिए। तो बैठे बैठे यही अंदर गाँव के बीच बैठ लूंगा छाव में, और इसी छाव में बैठ के ये काम कर लेते। तो अभी इनको खोल देता हूँ, और फार्म पे जो काम थे वो करके आ गया हूँ मैं। अभी इनको चरने का काम है, तो पहले यही खोल देता हूँ, यहीं पे कल शाम को थोड़ा चारा डाला था, बचा है थोड़ा बहुत वो खा लेंगे, कल वेस्टेज भी डाला था वो भी है, और थोड़ी देर बाद फिर इनको वापस से खेत में ले जाएंगे और वहीं पे चराएंगे। तो अभी यहाँ पे तो खोल दिया है, अभी 3:30 बज रहे, तो थोड़ी देर में 5 या 10 मिनट में यहाँ से निकलेंगे, सीधा अपने खुद के खेत में जाएंगे और वहीं पे चराएंगे। ऐसा उगाने का और ऐसा साफ निकलने का, ये मटरल अलग है, ये मटरल अलग है, ये देखो ये इसमें निकलेगा आधी मुट्ठी आधी खान, ऐसा जा रहा है पत्थर पत्थर बाहर और पत्थर पत्थर में लाइक करें। देखिए हमारी गौरी फूल चोट करने में टूट गई, राजा उठते हैं और राजा को भी जा रहे को खाने को नहीं मिलता। तो अभी मुझे इस वाले खेत में गाय लेके आए हुए 1/2 घंटा हो गया, तो 1/2 घंटे से गाय यहाँ पे चारा
खारी बांध पे भी था तो उसकी अभी थोड़ा बहुत ही बचा है, बहुत सारा वो खा चुके हैं। और मेरे हाथ में है अभी मूंगफली जो कि मैंने अभी खेत में से उठाई है, और ये देनी हमें अपनी सुमन को। तो अभी सुमन को बुलाते हैं मूंगफली खाने। चल सुमन, सुमन। तो सुमन आ रही है मूंगफली खाने, सीधा भी यही आएगी। और मैं खास करके उसी के लिए खेत में से मूंगफली उठा रहा था, और जो कि अभी सुमन खा जाएगी। तो सारी मूंगफली अपने सुमन ने खा ली, और सुमन का भाई भी काफी देर से परेशान कर रहा था, वो भी कह रहा था कि मुझे दो। और तो उसको भी मैंने थोड़ी बहुत खिलाई थी, और ये तो हर दिन खाती है, जो भी चीज लेके आता हूँ इसको मिलती ही मिलती है। तो देखना अभी वो भी इधर ही आ रहा है, तो रुक गया फिर से। मैं थोड़ी ज्यादा ही उठा के लेके आया था, जेब में भर के रखी थी, किसी जो पहले आएगा उसको मिलेगी, इसलिए। तो अभी दूसरी बार खा रही अपनी सुमन, और लेके आया था और निकालता हूँ। अभी सुमन के भाई को बुलाते, चल। अभी वो भी आ रहा है और अपना सकाराम भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं। अभी सकाराम फिर से रुक गया, ये आ रहा है, चल। नहीं आ रहा भाई, रुक गया। और सुमन आ चुकी है तो सुमन को ही दे देता हूँ ये भी। सुमन तीसरी बार खा चुकी है और थोड़ी जेब में बची है। सुमन तुम्हारा हो गया ना, एक बार दे देना तुम्हें। अरे जाओ यार तुम, कैमरे को खा जाओ, लो खा लो खा लो खा लो। अरे नहीं, ये जेब में भी खत्म हो गई, सारी खत्म हो गई, रुको ये लो, अब सारी खत्म, अभी एक भी नहीं बची है, जो इतनी सारी दे दी। कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है, ये दो तो रुक गए, सुमन का भाई भी और सखाराम भी। तो अभी और 1 आध घंटा चलेंगे, फिर सीधा फार्म पे ले जाए। ये फिर से मेरा पीछा करने लग गई, और इसके पीछे भी उसका भाई, अभी उसका भाई आ रहा है। ये दोनों मेरा पीछा करने लग गए, क्या करें। चलो जाओ, हो गया खत्म, सारा खत्म, कुछ नहीं है हाथ में, जाओ सारा खत्म। अरे रुक जा, कुछ नहीं है वो, अरे मारने के लिए मारो मत, कुछ नहीं है मेरा, नहीं खा लिया। अरे हाथ मत खाना, खा लिए हाथ, खा लिए, खा ली है हाथ, खा तू उंगली खा जा मेरी। अरे उंगलियां मत खाना, छोड़ जा, कुछ नहीं है, जा खत्म हो गए। तो अपनी सुमन ने आज टंकी के अंदर मुंह डाल दिया है और निकल नहीं रहा, सारी गाय उसको देख रही है, मोती भी देख रहा है। सुमन को भी क्या जरूरत थी पता नहीं टंकी में मुंह डालने की। पहले तो बहुत भाग दौड़ कर रही थी, अब शांत हो गई, अब उसको पता चल गया कि कुछ से निकलेगा नहीं, निकालना तो हमें ही पड़ेगा। कैसे दिख रही है अपनी सुमन, सुमन क्या कर दिया सुमन तूने ये। अब रहने देता हूँ, रहने दे, तू बहुत मेरे पीछे पीछे भागती ना, अब रहने दे। तो सेफ्टी जैकेट है अपने सुमन के लिए, और अपना आराम, कुछ नए अंदाज में है दोनों। सबको डरा रही है सुमन, निकाल लिया, सबको डरा दिया। बहुत जोर से गई थी मुंह डालने। सुमन क्या हुआ, सुमन 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 क्या हो गया, डालेगी अब फिर से कहीं भी मुंह डालेगी। तो ये वाला कबूतर अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर वाले इसको अंदर आने नहीं दे रहे, तो बाहर से ही ये कोशिश कर रहा है, लेकिन थोड़ी टाइम बाद अपने आप ही ये चला जाएगा, थोड़ा अंधेरा हो जाए फिर चला जाएगा। भाई सबको अभी तक ना दवा दी है ना खुद से खाना खिला है, अभी इसको खाना भी खिला दूंगा थोड़ा, और दवा भी दे दूंगा। और फार्म के अंदर अपनी सभी गाय बंधी हुई है, फिलहाल इनकी सबकी हो चुकी है, छोटे चारों शैतान फार्म के अंदर ले लिए है, इनका खुराक तो इनको मिलती ही नहीं है, पानी पिला के बांध दिया है। और फार्म के अंदर हरा चारा डालने का काम भी हो चुका है, सेप्टून के अंदर भी हरा चारा और पानी आ चुका है, और आज छोटे चार शैतान बाहर है, चार अंदर है,
उस वाले फार्म के अभी हम बंद करके आ गए। ये रही गोरी, तो दोपहर को मास था और मेरे साथ गाय चराने के टाइम यहाँ सामने में गाय चरा था यहाँ पे, और ये भी उधर ही थी। राम जी और लक्ष्मी, इन दोनों की खुराक भी हो गई और अभी ये जाएंगे सीधा दूध पीने। गोरी ने भी खुराक खा ली है। लखन भाई साहब को मांस के साथ ये बांध दिया है, ये अंदर रहता था लेकिन आज इसको बाहर ही बांध दिया है। मांस भी है साथ में, तो ये भी जाएगा अभी दूध पीने और अपनी आरती की माँ की दवा दे दी है। तो अभी करते हैं दूध निकालने की शुरुआत और कबूतर को दवा भी पिलानी है, तो बाकी सारे काम हो चुके हैं। तो ये थी हमारे आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।